हेलो एवरीवन आई एम तृप्ति वेलकम टू एन पी द चैनल वेर यू कैन लर्न ऑल द कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स एंड टुडे वी आर गोइंग टू लर्न इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर ओके क्लास टेंथ में भी हमने ये टॉपिक स्टडी किया था विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड छोटा सा टॉपिक है ये फटाफट फड़ से इसे समझते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर ओके फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरस्टैंड वॉट इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी एनर्जी क्या होती है एंड देन वी हैव टू डिस्कस पावर ओके फिर हम पावर की बात करेंगे सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम सपोज करते हैं कंडक्टर ओके फर्स्ट ऑफ ऑल हमने सपोज़ किया है एक कंडक्टर सो दिस इज़ योर कंडक्टर ऑफ टर्मिनल ए एंड बी ओके सो कंसीडर कंसीडर अ कंडक्टर With and A and B. Okay. And R is the resistance of this conductor. Okay. Capital R ko hum kya rahe resistance. Okay. R is the resistance of this conductor and I current. Suppose I current, capital I current flowing through in this conductor. फ्रॉम ए टू बी ओके करंट आई कहाँ से कहाँ तक फ्लो कर रही है आई करंट फ्लोइंग थ्रू फ्लोइंग थ्रू इन दिस कंडक्टर इन दिस कंडक्टर फ्रॉम विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लाइट कंडक्टर फ्रॉम ए टू बी ओके कंडक्टर के पॉइंट ए या टर्मिनल ए से बी में करंट आई का फ्लो हो रहा है ओके okay, अब करंट आई है इसका मतलब क्या हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पर जनरेट हुआ है ऑब्वियस सी बात है इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपने अप्लाई किया है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है तभी कंडक्टर में करंट का फ्लो होगा ओके okay, तो करंट अगर फ्लो है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑब्वियस सी बात है अप्लाई है क्लियर है नौ पोटेंशियल एट पॉइंट ए पोटेंशियल एट पॉइंट ए ओके हम यही सारी चीज़ें पोटेंशियल करंट रेजिस्टेंस इन ही सारी चीज़ों के इर्द गिर्द इलेक्ट्रिकल एनर्जी को समझेंगे ओके पोटेंशियल एट पॉइंट ए ए पर पोटेंशियल हम वी ए कंसिडर करते हैं ओके एंड पोटेंशियल एट बी पोटेंशियल एट पॉइंट बी इज वी बी सो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस को हम कैपिटल वी से डिनोट कर सकते हैं ओके सो वी इज इक्वल्स टू वी ए माइनस वी बी ओके पोटेंशियल डिफरेंस यही होगा पोटेंशियल डिफरेंस बिट्वीन द टू टर्मिनल्स ए As वेल एज बी ओके वी ए माइनस वी बी ठीक है अब वी ए माइनस वी बी ही क्यों लिखा मैंने वी बी माइनस वी ए भी लिख सकती हूं बिकॉज ऑफ वी एज ग्रेटर देन वी बी means पोटेंशियल एट पॉइंट ए इज ग्रेटर देन पोटेंशियल एट बी ओके ए पर पोटेंशियल ज्यादा होगा एज कंपेयर टू बी ओके और इस इक्वेशन को आप इस तरह से भी लिख सकते वी ए माइनस वी बी मीन्स डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस इज ग्रेटर देन जीरो ये नेगेटिव नहीं है अब ये क्यों हुआ ये कंडीशन अप्लाई क्यों हुई तो जस्ट अभी हमने बात की थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर क्या हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हुआ करंट है मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड एक्शनल इलेक्ट्रिक फील्ड इस कंडक्टर के अराउंड है ठीक है अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होता है पोटेंशियल क्या होता है पोटेंशियल पोटेंशियल वी इज डिक्रीजेस वी इज डिक्रीजेस इन द दे डायरेक्शन इन द दे डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ये भी हमने लास्ट लेक्चर में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किया था कि पोटेंशियल जो है वो डिक्रीज होता है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मीन्स पोटेंशियल पॉइंट ए पर ज़्यादा होगा ग्रेटर होगा एज़ कम्पेयर टू बी इसीलिए हमने ये वाले कंडीशन यहाँ पर अप्लाई की है ओके okay. अब हम सपोज करते हैं कि इस कंडक्टर में डेल क्यू चार्ज फ्लो हुआ है ठीक है डेल क्यू चार्ज फ्लो हुआ है इन टाइम इंटरवल इन टाइम डेल टी ठीक है डेल्टा टाइम में डेल क्यू चार्ज फ्लो हुआ है तो यहाँ से करंट आई की वैल्यू किस तरह से दी जाती है आई इज इक्वस टू डेल क्यू बाई टी ठीक है ये फर्स्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया था इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट टाइम ओके क्यू बाई टी ये हमने स्टडी किया था और एक और फॉर्मूला जो कि पोटेंशियल एंड वर्क का या फिर एनर्जी का होता है वो भी हमने स्टडी किया था W इज इक्व टू वी इंटू क्यू ओके टोटल वर्क डन इज इक्वल्स टू क्या होता है पोटेंशियल इंटू चार्ज या फिर पोटेंशियल इज इक्वल्स टू वर्क डन ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज ओके तो ये सारे फॉर्मूलेस छोटे छोटे फार्मूलेज आपको लर्न करने हैं क्योंकि ये सभी किसी न किसी कॉन्सेप्ट में यूज होना ही है ओके okay. तो हमने करंट I इज इक्वल टू डेल क्यू बाई डेल टी सपोज कर लिया यहाँ से डेल क्यू को अगर सब्जेक्ट करें सो डेल क्यू इज इक्वल टू आई डेल टी हुआ ओके ये इक्वेशन आपको आगे काम लगेगा क्लियर है नाउ पोटेंशियल एनर्जी पोटेंशियल हमने यहाँ तक पोटेंशियल की बात की है अब हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं ठीक है पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी इस कंडक्टर में क्योंकि कंडक्टर में चार्ज का फ्लो हो रहा है बट चार्ज का जो मोशन है वो कांस्टेंट है स्टेडी है ठीक है हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में चार्जेस का मोशन स्टडी पढ़ रहे हैं ठीक है थीके? तो यहाँ पर पोटेंशियल पोटेंशियल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए एट पॉइंट ए हम ए पर क्या कंसिडर करते हैं यू आई मीन्स ये इनिशियल पॉइंट है आपका तो हम इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी यू आई कंसिडर कर लेते हैं एंड यू आई यही डन में स्टोर होता है तो ये जो फॉर्मूला है यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा पॉइंट ए पर पोटेंशियल वी ए है ओके एंड चार्ज क्यू है ओके नाउ पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी पोटेंशियल सॉरी पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी तो ये बी हमारा फाइनल पॉइंट हुआ सो यू एफ इज इक्वल्स टू वी बी इंटू क्यू ओके सो चेंज इन पोटेंशियल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ठीक है पोटेंशियल एनर्जी में चेंज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा फाइनल माइनस इनिशियल डेल यू से सपोज कर लेते हैं चेंज इन एनर्जी सो फाइनल माइनस इनिशियल हुआ ओके okay, फाइनल की वैल्यू क्या है वी पी इंटू क्यू तो क्यू के प्लेस पे हम डेल क्यू पुट करेंगे क्यों क्योंकि हमने ये वाली जो इक्वेशन है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट के लिए अप्लाई किए बट चेंज इन एनर्जी पूरे सिस्टम के लिए हम कंसिडर करते हैं ओके इसीलिए डेल क्यू एंड वी ए डेल क्यू ओके okay, यहाँ से डेल क्यू कॉमन ले लें सो वी बी माइनस वी ए डेल क्यू ओके वी बी माइनस वी ए इसी को अगर मैं वी ए माइनस वी बी लिखूं तो माइनस साइन कॉमन होके कैपिटल वी यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं ठीक है यहाँ पर इसके प्लेस पे ये वाला जो इक्वेशन है ये वाला जो टर्म है इसके प्लेस पे माइनस वी कंसिडर कर लो ठीक है माइनस वी पुट कर दीजिए सो माइनस वी एंड डेल क्यू के प्लेस पे आई डेल टी ओके ये आपका क्या हुआ पोटेंशियल एनर्जी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ठीक है अब सपोज आपने कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स के मोशन तो हुए हैं ओके कंडक्टर में मोशन तो हुआ है बट कुलीजन नहीं हुआ है मीन्स रेजिस्टेंस उसमें आप जीरो कंसिडर कर लें अगर रेजिस्टेंस है ही नहीं तो कुलीजन होगा कैसे तो रेजिस्टेंस अगर नहीं है या कुलिजन नहीं हो रहे हैं इसका मतलब कि काइनेटिक एनर्जी वुड बी चेंज काइनेटिक एनर्जी होगी ओके सो टोटल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम रिमेंस कांस्टेंट ओके टोटल एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से टोटल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम और दिस सर्किट इज कॉन्स्टेंट ओके तो कांस्टेंट एनर्जी है मीन्स क्या हुआ मीन्स टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी विल बी जीरो ओके सो यहां से काइनेटिक एनर्जी आपको मिला माइनस पोटेंशियल एनर्जी ठीक है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी एंड ये अभी हमने लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया था माइनस वी आई डेल टी ओके बट ये माइनस साइन एंड माइनस टर्म है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा सो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विल बी वी आई डेल टी ओके ये क्या है आपकी काइनेटिक एनर्जी बट करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स के मोशन को स्टेडी रखते हैं ठीक है मोशन कैसा हो रहा है स्टेडी हो रहा है ये जो एनर्जी है एक्चुअली ये हीट एनर्जी है अब ये कैसे हीट एनर्जी कैसे बोल दिया मैंने क्या होता है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स जब कंडक्टर में मोशन करते हैं सपोज आपने ये कंडक्टर सपोज कर लिया ठीक है ये कंडक्टर है और कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स मोशन कर रहे हैं ठीक है, है? एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया मोशन के कारण क्या होते हैं ये आयंस जिस एटम्स से निकले हैं वो पॉजिटिव आयंस हो जाता है तो आयंस एंड अदर एटम्स कंडक्टर में जो प्रेजेंट एटम्स एंड आयंस हैं उनसे फ्री इलेक्ट्रॉन का फ्रिक्वेंटली कुलीजन होता रहता है और कुलीजन के कारण ये कंडक्टर हीट अप हो जाता है गर्म हो जाता है ठीक है और यही जो गर्म होना ही एक तरह का एनर्जी है और उसे ही आप हीट एनर्जी कहते हैं ठीक है थीके? एनर्जी हीट एनर्जी एक्चुअली एनर्जी का लॉस है अगर यहाँ पर आपने बैटरी के थ्रू टेन जूल एनर्जी सप्लाई किया है इस कंडक्टर को एंड टू जूल एंड टू जूल हीट एनर्जी में लॉस हुआ ओके okay. तो टोटल आपने जो वर्क डन किया वो एट जूल का किया टू जूल तो क्या हो जाएगा एनर्जी डिसिपेड हो गई एनर्जी लॉस हो गई इन द फॉर्म ऑफ हीट उसे ही बोलते हैं हीट एनर्जी ओके तो ये जो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला आया वो एक्चुअली हीट एनर्जी का फॉर्मूला है ओके okay. सो so, इसे किसी बुक में आप डेल एच भी देखेंगे या डेल डब्ल्यू भी कह सकते हैं ठीक है सो दिस इज इक्वल्स टू वी आई डेल टी ये इक्वेशन आपको बता रही है कि इन टाइम इंटरवल डेल टी एनर्जी डिसिपिटेड द कंडक्टर और वी कैन से एनर्जी लॉस इन टाइम डेल टी क्लियर है नावर पावर के पहले हम एनर्जी की सभी को एनर्जी गिवन इन दूल ठीक है जूल में दिया जाता है अब हम पावर की बात करते हैं पावर क्या होता है तो एक्चुअली एनर्जी डिसिपेटेड पर यूनिट टाइम ठीक है यही जो एनर्जी में लॉस हो रहा है एनर्जी एनर्जी डिसिपेटेड पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड पावर ओके मीन्स पावर पी पावर को पी से डिनोट करते हैं पी इज इक्वस टू क्या होता है डेल डब्ल्यू बाय डेल टी पर यूनिट टाइम सो डेल डब्ल्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी वी एंड डेल टी एंड अपॉन डेल टी डेल टी से डेल टी कैंसल आउट सो वी हैव पी इज इक्वस टू वी आई ये इक्वेशन है आपका पावर का पावर लॉस इन दिस कंडक्टर ओके okay, अब इसी फॉर्मूले को हम ओम स्लो अप्लाई करके V इज इक्वल टू आर आई तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम V के प्लेस पे आर आई पुट कर दें तो यही फॉर्मूला क्या हो जाएगा आर आई स्क्वेयर ओके okay, एंड I के प्लेस पे V बाई आर पुट कर दें तो P इज टू क्या होगा I के प्लेस पे आप V बाई आर सो तो वी स्क्वायर आर ठीक है तो ये थ्री फॉर्मूलेज आपको मिले पावर के विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट ये फार्मूला तो इम्पोर्टेंट है ही बट ये दोनों एप्लीकेशंस है पावर की अब बात आती है पावर आती कहाँ से है ओके तो बैटरी के थ्रू आप कंडक्टर को कनेक्ट करते हैं तो बैटरी के थ्रू ही उस कंडक्टर के चार्जेस जो हैं वो पावर एब्जॉर्ब करते हैं ठीक है वहाँ से ही आपको पावर मिलती है बैटरी के थ्रू एक्चुअली पावर जो स्टेशंस होते हैं जहाँ से आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है ठीक है आपके घरों में फैक्ट्रीज़ में इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिसिटी जो आती है वो कहाँ से आती है पावर स्टेशन से ठीक है ये आपने एक पावर स्टेशन बना दिया अब ये जो पावर स्टेशनस होते हैं वो आपके होम्स एंड फैक्ट्रीज से काफ़ी ज़्यादा दूर होते हैं ठीक है फैक्ट्रीज़ से काफ़ी ज़्यादा दूर एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी के सप्लाई के लिए यहाँ पर ट्रांसमिशन केबल्स का यूज़ किया जाता है ये दूर इसीलिए होते हैं क्योंकि इनमें पोटेंशियल पोटेंशियल जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है पोटेंशियल हाई कैसे होता है तो सिंपली अगर आप इस फार्मूले को देखें पी इज इक्वल्स टू वी आई P इज़ इक्वल्स टू वी आई ये जो फॉर्मूला है ये सिंपल है अगर आपको पावर ज़्यादा चाहिए तो आपको पोटेंशियल ज़्यादा होना चाहिए ठीक है पोटेंशियल ज़्यादा लेंगे तभी आपका पावर ज़्यादा होगा ये इक्वेशन अभी आपकी पावर डिसिपेटेड या पावर लॉस को शो नहीं कर रही ठीक है पावर लॉस के लिए ये टू इक्वेशंस है बट आपको अगर पावर ज़्यादा चाहिए मीन्स आपको पोटेंशियल की जो वैल्यू है या पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू है वो आपको मैक्सिमम रखना पड़ेगी और हायर पोटेंशियल जो है वो काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होता है इसीलिए हम पावर स्टेशंस जहाँ से आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है वो काफ़ी दूर लगाए जाते हैं एंड ट्रांसमिशनल केबल्स के थ्रू इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपके होम्स एंड फैक्ट्रीज तक पहुँचती है ओके नाउ हाई पोटेंशियल पे हमारे अप्लायंसेस इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस वर्क करते हैं ठीक है और नहीं भी करते हैं कुछ अप्लायंसेस नहीं भी करते हैं तो इतना ज़्यादा हाई वोल्टेज पे तो सारे अप्लायंसेस आपके डैमेज हो जाएंगे एक्चुअली यहाँ पर ट्रांसफार्मर का यूज़ किया जाता है जिससे कि आपको यूजेबल पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाए ठीक है एवरी अप्लायंसेस के लिए पोटेंशियल डिफरेंस जो यूज़ का हो वो मिल जाए तो इसीलिए हम यहाँ पर ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं ठीक है ये ट्रांसफार्मर ये सारी चीज़ें हम सेमीकंडक्टर में डिटेल में स्टडी करेंगे ओके फिलहाल आपको ये जान लेना है कि पावर स्टेशन से जो आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है आपके घरों में आपकी फैक्ट्रीज़ में वो ट्रांसमिशनल केबल्स के थ्रू आती है एंड बीच में ट्रांसफॉर्मर लगाए जाते हैं ताकि यूजेबल पोटेंशियल आपको मिल सके ओके क्लियर है नाउ पोटिन नाउ पावर की यूनिट क्या होगी सो पावर की यूनिट होती है वॉट ठीक है पावर की यूनिट होती है वॉट इसे आप कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट करते हैं ओके okay, आज का लेक्चर आपका यहीं एंड करते हैं हमने एनर्जी के बारे में स्टडी किया एंड देन पावर के बारे में स्टडी किया एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में लॉस इन द फॉर्म ऑफ हीट ओके ये पढ़ा उसका फार्मूला हमने जनरेट किया डेल के इज इक्वल्स टू वी आई डेल टी ओके एंड देन पावर का फॉर्मूला डिराइव किया पी इज इक्वल्स टू वी आई वी आई पी से आप इसे लर्न कर सकते हैं सो so, ये एक बेसिक लेक्चर था इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर पर अब नेक्स्ट लेक्चर हम सेल टर्मिनल वोल्टेज ई एम एफ ये सारी चीज़ें स्टडी करेंगे सो कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग And please don't forget to subscribe my channel. Thank you so much.